नमस्कार बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल टेक्निकल आंसर में। और आज बच्चों में आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 का कक्षा 11वीं का जो भूगोल विषय का पेपर है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का, वो रियल पेपर में फुल सॉल्यूशन करके लाया हूँ बच्चों। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो ये आपका 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें पूर्णांक आपको 70 दिए जाएंगे। तो ये आपका पक्का रियल पेपर भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि बाहर से आया है। अगर रियल पेपर हुआ तो आप इसको रट लीजिए, अपने हिसाब से इसको याद कर लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, और मैं आपको बता दूं जो आपके बाकी के पेपर हैं वो भी इसी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों बिना किसी रुकावट के प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ, जो कि आपका पेपर है। तो आप जल्दी से जल्दी देख लीजिए और इसको रट लीजिए। नमस्कार बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आंसर में। और आज बच्चों में आपके लिए कक्षा 12वीं का विषय भूगोल का पेपर, माफ़ कीजिए, कक्षा 11वीं का विषय भूगोल का पेपर का रियल पेपर लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 में जो आपका होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगती तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 1 आएगा, सही जोड़ी, कुछ इस प्रकार से आपका पेपर होगा इसमें। तो आप देख लीजिए कक्षा 11वीं का ये पेपर है विषय भूगोल का, जो कि आपका होने वाला है। तो इसको देख लीजिए आप, भूगोल विषय का अध्ययन के लिए कितनी शाखाओं में विभाजित किया जाता है, और उस प्राचीन विद्वान का नाम बताइए जिसने मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव की बात की। 4 सौर परिवार का ऐसा ग्रह जहां उन्नत खालिस्तान रेटर जीवन है। हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, कुछ इस प्रकार से आपका पेपर आएगा, रियल पेपर है। तो आप इस पेपर को देख लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगती तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। कुछ इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा बच्चों, और मैं आपको बता दूं जो आपके बाकी के पेपर हैं वो भी इसी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आपको दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जैसा कि नीचे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पक्का रियल पेपर है, 100% आपका यही पेपर आएगा। तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आपने इतना कर लिया, करते जाइए आप। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 में आपको दिया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें आपको 1, 2, 3, 4 कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे होंगे क्वेश्चन। इसमें आपको सही विकल्प लिखना है। जल का वह अंश जहाँ जो जमीन भूमि द्वारा सूख लिया जाता है, खालिस्तान जल कहलाता है। दूसरा, सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को पृथ्वी पर पहुँचती हैं, खालिस्तान कहलाती हैं। प्रश्न क्रमांक 3, पृथ्वी पर रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैसों का एक विशाल आवरण है, जिसे खालिस्तान कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, किसी स्थान पर प्रतिदिन एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार आने के बीच खालिस्तान समय का अंतर होता है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 2 आएगा कुछ इस प्रकार से, जो कि आपका 5 नंबर का होगा। तो आप इसको भी देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कक्षा 11वीं का विषय भूगोल का रियल पेपर है ये, जो कि अभी अभी आया है। तो मैं जल्दी से जल्दी इसको अपलोड कर रहा हूँ, तो आप इसको जल्दी से जल्दी रट लीजिए। और जैसे ही इस वीडियो पर 200 लाइक हो जाएंगे, मैं अगले वीडियो में इसका आंसर का पूरा सलूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप जल्दी से जल्दी देख लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। तो माफ़ कीजिए, प्रश्न क्रमांक 2 का भी 5वां है। 5वें है, प्रबल कीड़ों का मुख्य भोजन खालिस्तान है। तो कुछ इस प्रकार से है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारण तापमान में अन्य धाराओं से निम्न है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 2, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है। प्रश्न क्रमांक 3, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी। प्रश्न क्रमांक 4, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा बनाती है?
ऑप्शन एक भारत चीन, ऑप्शन दो भारत पाकिस्तान, ऑप्शन तीन भारत बांग्लादेश, ऑप्शन चार भारत नेपाल। तो कुछ इस प्रकार से आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे प्रश्न क्रमांक तीन में, तो आप इसको भी कर लीजिए। और इसका पांचवा है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा भारत की कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन एक नर्मदा नदी, ऑप्शन दो कृष्णा नदी, ऑप्शन तीन गंगा नदी, ऑप्शन चार गोदावरी नदी। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक चार की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक चार में आपको दिया गया है, एक शब्द बहु शब्द में उत्तर दीजिए, वास्तुनिष्ठ आपके प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक एक है, भारत के दक्षिण में स्थित महासागर का नाम लिखिए। ऑप्शन दो मृदा के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक का नाम है। ऑप्शन तीन कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मृदा है। ऑप्शन पाँच धरातलीय शैलों का अपने स्थान से खिसकना या टूट कर गिरना कहलाता है। तो इसको आप कर लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक पाँच की तरफ। प्रश्न क्रमांक पाँच में आपको दिया गया है, चट्टानों का आर्थिक महत्व बताइए और इसका आठवां जल प्रताप क्या है और इसकी रचना कैसे होती है? तो ये आपका चार नंबर का प्रश्न आएगा प्रश्न क्रमांक पाँच, तो आप इसको भी कर सकते हैं। और इसमें अथवा भी दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया जल प्रताप प्रपात क्या है, इसकी संरचना कैसे होती है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पक्का रियल पेपर है, यही पेपर आपको देखने को मिलेगा कक्षा ग्यारहवीं का, ये भूगोल का पेपर है, तो आप इसको देख सकते हैं। चार अंक का ये प्रश्न है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब है क्वेश्चन नंबर छः, क्वेश्चन नंबर छः, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। तो कुछ इस प्रकार से आपका पेपर आएगा, जैसा कि बार बार मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको, देख लिया।